नमस्कार फ्रेंड्स, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे उन सुरक्षित दिनों यानी सेफ डेज की, जिस दौरान यदि संभोग किया जाए तो भी गर्म नहीं ठहरेगा। दोस्तों, चाहे आप माँ बनना चाहती हो या फिर परिवार नियोजन के लिए सेफ दिनों का पता लगाना हो, ओव्यूलेशन के दिन का पता लगाना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आप बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से आसानी से इस दिन का पता लगा सकती हैं। इस वीडियो में ओव्यूलेशन के दिन का पता लगाने की विधि और उससे होने वाले फायदे बताए गए हैं। संभोग करने के लिए ओव्यूलेशन होने के दिन से 5 दिन पहले का और 5 दिन बाद का समय सुरक्षित माना जाता है। इस समय संभोग करने पर महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना ना के बराबर होती है और महिलाएं काफ़ी लंबे समय से इस सुरक्षित समय का प्रयोग गर्भ निरोधन के तौर पर करती आ रही हैं। दोस्तों, पुरुष के वीर्य का स्पर्म योनि में अधिक से अधिक 3 दिन तक और स्त्री का अंडा ओव्यूलेशन होने के 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इसलिए गर्भ धारण करने के लिए ओव्यूलेशन होने से पहले के 3 दिन से लेकर ओव्यूलेशन होने के 3 दिन के बीच के समय में किए गए संभोग से ही अधिकांश बच्चे पैदा होते हैं। यदि किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का होता है तो उसका ओव्यूलेशन माहवारी यानी पीरियड होने के 14 दिन बाद होगा। इसे जानने के लिए माहवारी की तारीख में मासिक चक्कर जोड़कर 14 घटा दें। दोस्तों, इसका फार्मूला इस प्रकार है, माहवारी की तारीख जमा मासिक चक्कर और माइनस 14, यानी आपको माहवारी की तारीख में मासिक चक्कर के दिन जमा करने हैं और उसमें 14 घटा देना है। तो फ्रेंड, आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए आपकी माहवारी 5 तारीख को हुई है और आपका चक्कर 28 दिन का है, तो 5 जमा 28 ये 33 हुए और इसमें अगर हम 14 घटा देंगे तो आपका ओव्यूलेशन 19 तारीख को होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि आपकी माहवारी 8 को हुई है तो आपका चक्कर 26 दिन का है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है 8 जमा 26 ये 34 हुए और इसमें से अगर हम माइनस 14 करेंगे तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो 20 तारीख को होगा। और इसी तरह एक और उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। यदि आपकी माहवारी 1 तारीख को हो गई है थी और आपका चक्कर 30 दिन का है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है 1 जमा 30 ये 31 हुए और इसमें से अगर हम 14 घटाएंगे तो ये आएगा 17, यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो 17 को होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका मासिक चक्कर बहुत अधिक अनियमित है तो आप ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट के द्वारा भी ओव्यूलेशन की तारीख का पता लगा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय।